जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी शर्त रखी है कि इनके गठबंधन को हमारी पार्टी के एजेंडे को मानना होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ऐसा होने पर वह विधानसभा चुनाव में सभी सीटें गठबंधन के लिए छोड़ देंगी। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से भी इनकार कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि गठबंधन और सीट बंटवारे की बात भूल जाइए। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा एजेंडा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो हम उनसे कहेंगे कि वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ें और हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। दरअसल महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि कश्मीर मुद्दे का समाधान हो और रास्तों को खोला जाए। महबूबा मुफ्ती से जब पूछा गया कि कांग्रेस ने आपकी पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन के लिए संपर्क किया है, तो इस पर उन्होंने कहा, मेरे लिए कश्मीर समस्या का समाधान किसी भी और चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी एजेंडे पर नहीं बल्कि सीट बंटवारे के लिए गठबंधन किया है और हम ऐसे गठबंधन पर चर्चा नहीं करेंगे जिसमें केवल सीट बंटवारे की बात हो। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन एक एजेंडे पर आधारित होना चाहिए और हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर के मुद्दे का समाधान ढूंढना है। कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमारे एजेंडे को माना गया तो हम गठबंधन को पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सत्ता में आने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को एक साल में 12 मुफ्त सिलेंडर, चीनी और केरोसिन वापस लाने का ऐलान किया है। और मैनिफेस्टो में कहा गया है कि संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं के लिए शून्य स्टाम्प शुल्क और संपत्ति टैक्स को ख़त्म किया जाएगा। पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का वादा भी किया है। इस तरह से पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण में 25 सितंबर को और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। और जो चुनाव के नतीजे हैं वो 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। थैंक यू।